लोकसभा छोड़ने के बाद, आम आदमी पार्टी में जुड़ने के बाद, आज जो आप गृहनगर वापस आए, उसके बाद यहाँ की जनता में और आवाम में आम आदमी पार्टी और आपके प्रति क्या रुझान रहा और कैसी आपको मोहब्बत दिखाई दी? देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा आम आदमी पार्टी का, उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। और रहा सवाल लोगों के जज्बात का, वो आपने सही होगा, सड़कों पे वो जिस तरह उतरे और कितनी बड़ी तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ गाड़ियाँ ई रिक्शा मोटरसाइकिल सब लोगों से जिस तरह आम आदमी पार्टी का स्वागत किया है यहाँ के हमारे जनपद के लोगों ने, वो बहुत सराहनीय है। और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी हम लोग ऐसी मेहनत करेंगे और आम आदमी पार्टी को बहुत नई ऊँचाइयों पर लेंगे। तो आपको उम्मीद है जिस तरह दिल्ली में आपने परचम लहराया, उत्तर प्रदेश में भी यही हाल पार्टी का रहेगा? बिल्कुल रहेगा। देखिए, काम सबको सलाम है। केजरीवाल जी ने, संजय सिंह जी ने ये दिखा दिया है दिल्ली में तीसरी बार लगातार कि काम क्या होता है। वो लोग एक विकास की लोगों को मदद कैसे पहुंचानी है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में आप चले जाइए, स्वास्थ्य में चले जाइए, या आप जो उन्होंने बस की यात्रा महिलाओं की फ्री की है उसको देख लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक, बिजली, पानी, जो काम किए हैं वो बहुत सराहनीय है। और इसी एजेंडे को लेके अब हम यूपी में उतरेंगे। राष्ट्र निर्माण की अब हम लोग बात कर रहे हैं। हम मिस कॉल अभियान चलाया हुआ, उसमें अब तक 12 लाख से ज़्यादा मेंबर हम लोगों ने 10-15 दिन में जोड़ लिए हैं। और जगह जगह अब हम इसकी तैयारी करेंगे, जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में अपने लोग 1,07,000 गाँव, 12,000 वार्ड जो हैं उनमें जा के डोर टू डोर पार्टी का प्रचार करेंगे, सब्जियाँ बताएंगे, लोगों को जोड़ेंगे और आम आदमी पार्टी के लिए जागरूक करेंगे और एक नए उत्तर प्रदेश का निर्माण करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह पार्टी ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, उसके बाद पहला मकसद आपका क्या रहेगा? हमारा मकसद लोगों को आम आदमी पार्टी की अच्छाइयाँ, उसका काम, केजरीवाल जी का, संजय सिंह जी का बताना है कि ये लोग क्या काम लेके चल रहे हैं। और इस पार्टी में कोई भेदभाव नहीं है, पहली मुझे ऐसी पार्टी लगी जो मेरे आने का कारण है। इसमें सब समाज को पूरा सम्मान मिलता है, हिंदू मुस्लिम एकता की मोहब्बत की बात होती है, सब लोग सेक्टर अच्छे हैं, वो सब लोगों को साथ लेके चलने वाले लोग हैं। वहाँ ये नहीं है जैसे बीजेपी नफरत फैला रही है, दंगा करा दिया, ये करा दिया, यहाँ मदद होती है, अच्छे काम होते हैं और देश को बढ़ाने की, देश हित की बात होती है, किसान के मतलब की बात होती है, आज का किसान क्या चाहता है ये बात होती है, आज का युवा क्या चाहता है, उसको रोजगार से कैसे जुड़े, काम कैसे दें, तो सारी क्वालिटीज इस पार्टी के अंदर हैं। और यही एक पार्टी है, आपने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को देखा, आपने बहुजन समाज पार्टी को देखा, बीजेपी का हाल आप देख रहे हैं, आए दिन कितनी लॉ एंड ऑर्डर खराब है, आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, यहाँ तक कि इनके अपने खुद के विधायक और इनके पार्टी के जिम्मेदार मंत्री नेता लोग, चाहे वो चिन्मय आनंद हों, कुलदीप सेंगर हों, अन्य जितने लोग हैं कि वो इन्हीं तरह के मामलों में खुद उलझे में हैं, तो ये क्या विकास करेंगे, क्या महिलाओं की रक्षा करेंगे, आप बताइए। तो हमारी पार्टी साफ सुथरी छवि वाली पार्टी है, अच्छा काम करेगी, लोगों को जोड़ेगी, सब लोगों को साथ लेके चलेगी, नए प्रदेश का निर्माण करेगी और उत्तर प्रदेश में बहुत तरक्की होगी, बहुत सुविधाएँ जनता को मिलेगी यदि आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी।